हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो आईक्यू निकाला जाता है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी आईक्यू निकालने के बाद हम उसको किस ग्रुप में रखेंगे। जैसे यदि बुद्धि लब्धि 140 से 200 के बीच आती है, 140 से 200 के बीच है, तो उस बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली बालक। यानी अगर प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि पूछे तो क्या हम लगाएंगे? 140 से 200। और अगर 120 से 200 तक आता है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रखर बुद्धि। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रखर बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 120 से 140। इसी तरह से अगर बुद्धि लब्धि 110 से 120 है तो उस बालक को क्या कहा जाएगा? उसको उत्कृष्ट बालक कहेंगे। अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 है तो वह सामान्य बालक में आएगा। सामान्य बुद्धि बालक की अगर बात करेंगे तो उसका आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए? 90 से 110। अगर आईक्यू लेवल 80 से 90 के बीच में है तो उसको मंद बुद्धि बालक कहा जाएगा। और अगर यही आईक्यू लेवल 70 से 80 के बीच में है तो इसको निर्बल बुद्धि कहा जाएगा। अगर आईक्यू लेवल 50 से 60 है तो वह मूर्ख बालक कहा जाएगा। और अगर आईक्यू लेवल 25 से 50 के बीच में होता है तो वह मूढ़ बालक कहा जाएगा। ये भी कई बार पूछा गया है कि मूढ़ बालक का जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है, तो वह होता है 25 से 50 के बीच में। फिर अगला पॉइंट, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो वह होगी 25 से भी कम। ठीक है, अब हम लोग जो ये बुद्धि लब्धि देख रहे हैं तो ये बुद्धि लब्धि किसने दिया है, इसका आविष्कार किसने किया है, तो यह किया है टर्मैन ने। और इसको निकालते कैसे हैं? बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु को वास्तविक आयु से डिवाइड कर देते हैं और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को हम लोग इस चार्ट से मिला लेंगे और ये बता देंगे कि बालक किस बुद्धि वर्ग का है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।